एक्सपीरियंस कार्तिक के टू देखकर आए हैं। ऑसम। क्या कहेंगे सर, क्या खास रहा मूवी? ओवरऑल जो मतलब कह सकते हैं कि सनातन धर्म को दिखाया, श्री कृष्णा जी को दिखाया, उनके सिद्धांतों को दिखाया गया है, इंसान को परिस्थितियों से उठ के ऊपर कैसे आना चाहिए, एक बड़ी अच्छी शिक्षा मुझे वहाँ पे मिली कि कभी भी इंसान कमज़ोर नहीं होता, परिस्थिति कमज़ोर होती है। तो बहुत औसम, मुझे मतलब लगता है कि इस साल की सबसे औसम मूवी है और मुझे लगता है कि इसको सबको देखना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। और जिस तरह से ईश्वर और इंसान का एक लिंक दिखाया गया, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो मुझे इनफैक्ट जब मूवी देखने से पहले मैं कुछ और था और अभी मैं कुछ और, मुझे काफ़ी शिक्षा मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इंसान को बदल दे और सकारात्मक बदले तो वो मूवी। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। फाइव क्या कहेंगे और ऑडियंस को क्या कहेंगे इस मूवी को देख? मैं तो यही कहूँगा कि सबको देखना चाहिए और सबको आना चाहिए, स्टार देने के लिए कम है, इनफैक्ट 5 out of 5। आप बहुत अच्छा लगेगा आपको, इनफैक्ट मैं घर जाकर अपनी फैमिली को बोले वालों के सारे जाके देखें, बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए। मूवी देखकर आए हैं, कार्तिक टू कैसी रही? मूवी बहुत अच्छी है और नॉट ओनली मैं ये नहीं कहूँगा कि मूवी जैसे कि मस्ट वॉच मूवी है और नॉट वन टाइम वॉच, क्योंकि इसमें हमारे सनातन धर्म के जीवन शैली को दिखाया गया है। आपको अच्छी लगी? मुझे अच्छी लगी। हाँ, मैम क्या कहें? हाँ, बहुत अच्छी है। कृष्ण जी के बारे में जो दिखाया वो हमें पता नहीं था, बहुत अच्छी है। आउट ऑफ 5 कितना रहे? 4.5। मेरा 5 रहेगा। और ऑडियंस को क्या कहेंगे? जल्दी आइए देखिए, बहुत अच्छी मूवी। कार्तिक टू क्या कहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, काफी अच्छी, मतलब बहुत। सर क्या कहेंगे, क्या खास रहा, मतलब थीम क्या था, क्या कहना चाहेंगे? जो भी मेन थीम था वो मुझे तो सबसे बढ़िया वही लगा जो मेन गॉड पे था थीम, श्री कृष्ण पे, मतलब लगा कि वो चीजें, इन चीजों को हमें मानना चाहिए और चीजें होती। बिल्कुल मैम। ऑडियंस को क्या कहेंगे इस मूवी को देखेंगे? बिल्कुल बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए, फैमिली के साथ देखनी चाहिए सबको। आउट ऑफ 5 करो। 5 out of 5। थैंक यू। बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस कार्तिक के देखिए? कार्तिक के बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है, फर्स्ट के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। क्या खास रहा जो आप ऑडियंस को बताना चाहते हैं मूवी को देखने के लिए? स्टार्टिंग से ही सस्पेंस बहुत अच्छे से बिल्डअप किया था और स्टार्टिंग से ही बहुत थ्रिलिंग रखी थी और इस बार मोस्टली स्टोरी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था और एक्टर ने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की, पैसा वसूल हुआ बहुत ज़्यादा अच्छे से, पूरा वसूल हुआ है। सर क्या मिली, बेसिक जो थीम था क्या रहा और कैसे स्टोरी? मतलब स्टोरी तो बस कृष्णा के ऊपर ही है, मतलब कड़े के ऊपर है बेसिकली, अब लास्ट में थर्ड पार्टीज किया है, वो द्वारका भी होने वाला है। हाँ। तो लगता है मूवी को देखकर कुछ सीखने को मिला? मूवी को देख के बस यही सीखने को मिला कि जैसे क्यूरियस था हर क्वेश्चन के लिए, मतलब एक क्यूरियोसिटी होती थी उससे, तो बस वही चीज़ मतलब उसे कहाँ तक ले गई। कुछ ऑडियंस के लिए धर्म के ऊपर दिखाया गया, आपका क्या कहना, किस तरह से पेश किया? धर्म के ऊपर काफ़ी अच्छे से पेश किया, बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है उस पर ज़्यादा अच्छे से शो करेंगे उसे, क्योंकि अभी सिर्फ एक कड़े के ऊपर था, नेक्स्ट पूरी द्वारका सिटी पर होगा। तो सर आप कैसे लेते हैं धर्म को, इसी तरह से आपका मानना भी, ऐसे विश्वास कितना है? जैसे जितना मतलब श्री कृष्ण जी को बहुत ही अच्छे से बयान किया है इसमें, जो भी दिखाया गया, प्रे किया गया, तो उसके लिए क्या कहें? मतलब वही है कि जितना मतलब देखते हैं इंसान उतना ही यकीन करते हैं कुछ लोग, पर यही बस इसी उस पे। सर आउट ऑफ 5 कितना? 4.5। 5 out of 5।